अद्य मंगलवासर अथवा भौमवासर भाद्रपद कृष्ण एकादशी दिनांक 10 अक्टूबर 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 4 पित्त चिकित्सा। शंखं चक्रं जलौ कान्दधतमृत घटं चारुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यां शुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलांगं कटितट विलसत् चारु पीतांबराढ्यं वंदे धन्वंतरिंतं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजितां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां आयुर्वेदरतं वंदे माधवाख्यं महागुरुं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यप्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं कार्यस्य वयन्नु प्रयतामहे। सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। चतुर्थोध्याय अथा तो रक्तपित्त चिकित्सितम व्याख्यास्यमा इतिहास महाभगवान आत्रेय विहरन्तं चितात्मानं पञ्चगंगे पुनर्वसुं प्रणम्योवाचं निरहुं निर्मोहम् अग्निवेशोऽग्निवर्चसम् भगवन् रक्तपित्तस्य चेतुरुक्तस्थलक्षणः वक्तं यत् परन्तस्य वक्तुमर्हसि तद्गुरु। तो पुनर्वसु आत्रेय जो है वो निर्मोह और अग्निवर्चसम अग्नि जैसे तेजस्वी इस प्रकार के, निर्मोह और जितात्मा इस प्रकार के है और विहार कर रहे हैं। तो अग्निवेश पंचगंगा में विहार कर रहे हैं, तो उनके समीप जब वो बोला नमस्कार करके रक्तपित्त से हेतु ही ऋतु उक्ता स लक्षण रक्तपित्त का हेतु अपने लक्षणों के साथ बता दिया। तो उसके बारे में और जो भी कुछ कहना है वो आप कहिए। गुरु रुवाच महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्र कार्य च हेतु लक्षण विच्छीघ्रम रक्तपित्तम उपाचर। तो ये महागद इस प्रकार का है, बड़ा विकार इस प्रकार का है, महावेग बहुत ही उसका वेग ज्यादा है तो बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाता है। अग्निवत शीघ्र कार्य च और अग्नि जैसा शीघ्र कार्य तत्काल कुछ परिणाम करने वाला इस प्रकार का है। तो हेतु लक्षण भी शीघ्रम, जो हेतु और लक्षण ये दोनों जानने वाला वैद्य है वो तत्काल रक्तपित्त की चिकित्सा इस प्रकार से करे। तस्योष्णम तीक्ष्णम अम्लं च कटूनि लवणानि च घर्मश्चान्न विदाहश्च हेतु पूर्वं निर्दिष्टः। तो उसका उष्ण तीक्ष्ण अम्ल कटु लवण ये आतप अन्न विदाह ये पूर्व हेतु निर्दिष्ट किया है सूत्रस्थ निदान स्थान में, ये सब बातें बताई गई है। तो उष्ण तीक्ष्ण अम्ल कटु लवण वगैरह जो है वो सभी पित्त को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के कारण है, रक्त के विदुष्टित करने वाले इस प्रकार के है। और आतप ये भी है अन्न विदाह ये भी इस प्रकार का हेतु पूर्व निर्दिष्ट है। अभी के दिनों में केवल यही हेतु है ऐसी बात नहीं रहेगी, खास करके एलोपैथी की सभी दवाएं जो एनाल्जेसिक वगैरह इस प्रकार की है
वो भी इसका कारण इस प्रकार से बन जाती है। एक बीएमएस बात के बारे में सुना था, मैच देख रहा था, सर दर्द हो रहा था, तो एस्पिरिन की गोलियां खाता रहा और उसके साथ में खाना भी चल रहा था, और वो भी तली हुई चीजें वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसको रक्तक्षरण इस प्रकार का हो गया, बड़ी मात्रा में रक्तक्षरण हो गया। तो ये तो तात्कालिक कारण था, उसमें संदेह की बात नहीं थी, लेकिन उसको ये आदत शुरू से थी कि जब भी सर दर्द होता था तो गोली खा लेता था इस प्रकार से। तो अभी एस्पिरिन हम हमारे तरीके से कैसे सोचेंगे, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। क्रोध भी एक कारण हो सकता है, वो तो है इस प्रकार का। तो इन सभी के बारे में हमें सोचना है। अभी जो नए पदार्थ आ गए हैं उनके बारे में कैसे सोचना है, ये बड़ी चुनौती की बात है। सोयाबीन है, टमाटर है, वगैरह वगैरह। अभी मैंने एक सुनी बात की, एक छात्र ने कहीं पे टमाटर टमाटर देखा और वो बहुत ही खट्टा था। हम अभी जो यहाँ पे टमाटर खाते हैं वो उतने खट्टे नहीं होते हैं, तो उसका कहना था एक टमाटर भी काफी था उसके लिए। तो उसका कहना था ओरिजिनल टमाटर है, और अभी जो है वो हाइब्रिडाइज वैरायटी वैरायटी इस प्रकार की है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ तो कि टेक्नोलॉजी के जरिए अगर हम परीक्षण कर पाते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। मैंने बात अभी हिरवाणी सर से छेड़ी थी कि हमारे जो गुण बताए, गुरु, लघु है, उष्ण, तीक्ष्ण या शीत, मंद इस प्रकार के हैं, उनको हम अगर ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर कुछ सिद्ध कर सकते हैं, गरम या गरम मसाले या ये भी है, और ये एक पेस्ट बनी जाती है, बनाई जाती है अदरक लहसुन और मिर्च इस प्रकार की, भी काफी उष्णवीर्य इस प्रकार की है। तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर अगर हम उष्ण, शीत, उष्ण, तीक्ष्ण, मृदु वगैरह, स्निग्ध, रुक्ष, ये अष्टविध वीर्य के बारे में पता लगा सकते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मिल जाएगा कि कौन से गुण है इस प्रकार से। कर्मभिस्मनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणा, ये तो ग्रंथों में बात बताई गई, लेकिन हम उल्टा प्रयास करेंगे कि गुणों के आधार पर कर्म कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। मैंने एक रुग्ण में पत्र शाक से ऊर्ध्व वमन रक्त पित्त नासा से हुआ, क्योंकि पत्र शाक कफ पित्त दोनों को बढ़ाता है, रक्त सूखने रबर जैसा हो गया। तो काफी कारण है अभी इसके बारे में, और नए जो द्रव्य है उनके बारे में हमें कैसे सोचना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स अगर डेवलप कर सकते हैं हम फिजिक्स के आधार पर, और हमारे गुणों को निश्चित कर पाते हैं, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो अभी ये एस्पिरिन वगैरह जो कारण है, एक्स ऑक्सीफेन बुटाजोन वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो भी एनाल्जेसिक है, काफी इस प्रकार का एनाल्जेसिक्स है। वैसे भी केमोथेरेपी की सभी ड्रग जो है वो उसी प्रकार से उष्ण तीक्ष्ण वीर्य इस प्रकार की है। तो इन सभी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और केवल हमसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे करके उन्हें छोड़ना नहीं है। अभी एक आसान तरीका है कि कोई भी ड्रग एलोपैथी का हो तो गूगल में जाकर विकिपीडिया में सर्च करते हैं तो उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। विकिपीडिया में करने से उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ये सामने आ जाते हैं। नहीं तो केवल कंपनी का प्रोफाइल आता है सामने, और वो डोज कितना है, किस रोग में प्रयोग में लाना है, इतना ही बताते हैं, वो साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ बताते नहीं। लेकिन विकिपीडिया में ये जानकारी मिल जाती है,
और फिर उसके आधार पर हम सोच सकते हैं कैसे करना है, क्या करना है, इस प्रकार से। अभी मरीजों को कुछ जानकारी नहीं होती, उनको ये दिखाएंगे कि एक विकिपीडिया में इस प्रकार के इसके साइड इफेक्ट बताए हैं, तो इसमें से कुछ हो जाते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, ये एक बात। और इनके आधार पर केमोथेरेपी लेनी है नहीं लेनी है इसके बारे में सोचना, केमोथेरेपी से फायदा कितना होने वाला है, नुकसान कितना होने वाला है, फायदा होगा ना होगा ये बताने है, नुकसान तो जरूर होता है इस प्रकार का। अब तो प्रेगनेंसी में एस्पिरिन सप्लीमेंट के रूप में देते हैं, ये बड़ी मूर्खता इस प्रकार की है। ब्लड फ्लो बढ़ाना इसलिए वो करते हैं इस प्रकार से। नूडल्स लाइक हार्ट थिंग कॉजेस व्रण इनसाइड एंड लीड्स टू अधो रक्तपित्त। तो ये अलग अलग इस प्रकार के कारण रहेंगे, सभी कारणों को देखकर फिर आगे कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। अभी एक व्हाट्सएप में मैसेज था भुट्टे के बारे में कि अमेरिका में भुट्टा कितनी मात्रा में प्रचलन में है और कहाँ कहाँ में प्रचलन है इस प्रकार से, और फिर उसके जरिए क्या क्या नतीजे निकल आ रहे हैं, ये भी एक अहम मुद्दा है। हम समझते हैं कि हम भाप भुट्टा कहाँ खाते हैं, 4-6 महीने में एक बार उसमें कई बार खाया, लेकिन बहुत सारे चीजों में कॉर्नफ्लोर होता है और ये पता नहीं चलता कि इस प्रकार से कॉर्नफ्लोर से हमें तकलीफ इस प्रकार की हो रही है। तो अभी इन सभी के बारे में सजग होना बहुत जरूरी है इस प्रकार का होगा। तैर है तो भी समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते, तो इन कारणों से उत्कृष्ट इस प्रकार का पित्त रक्त में पहुंच जाता है। तद्योनित्वात् प्रपन्नं च वर्धते तत्प्रदुषयत्। चूंकि उससे रक्त पित्त का निर्माण होता है तो वर्धते तत्प्रदुषयत्, रक्त को बढ़ा देता है, उसकी दुष्टि भी कर देता है। तस्योष्मणा द्रवो धातु धातो धातो प्रसिच्यते स्विद्यतस्तेन समृद्धिं भूयस्त अधिगच्छति। और उसके उष्मा से कारण, उष्मा के कारण धातो धातो द्रवो धातु प्रसिच्यते, हर धातु का द्रव धातु जो है वो सिंचन उसका होने लगता है, स्राव होने लगता है स्विद्यतः धातो। तो जो धातुओं का स्वेदन इस प्रकार से अंदर से हो रहा है उससे धातुओं का द्रव धातु का स्राव होता है, तेन भूयः तत् रक्तम समृद्धिम अधिगच्छति, वो जो रक्त है वो फिर से बढ़ जाता है। वैसे पित्त बढ़ गया है वो रक्त में जाकर मिला है, इसके कारण भी रक्त बढ़ गया है, ये एक बात। और उस पित्ता की उष्मा के जरिए धातु का स्वेदन इस प्रकार का होता है और फिर उससे द्रव धातु निकलता है बाहर, और वो फिर उसमें मिल जाता है और उसको रक्त को बढ़ा देता है इस प्रकार से। फार्माकोलॉजी बुक में एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स के लिस्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसा है ना, तात्कालिक लाभ के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, एलोपैथी भी उसके पीछे दौड़ रही है। और फिर प्रयोग समय व्याधि योन्यम अन्यम उदीरयेत या एकम योन्यम उदीरयेत, इसके तरफ किसी का विचार ही नहीं है या फिर उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो ये होना निश्चित होगा। और हमें आयुर्वेद को बढ़ाते रहना है और साथ ही साथ एलोपैथी कैसे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही ये भी बताते रहना चाहिए, तो उससे लोग धीरे धीरे छूट जाए और आयुर्वेद से जुड़ जाए, ये बात होनी चाहिए इस प्रकार से। इसमें दो तीन मुद्दे अहम है कि पित्त रक्त तक जाता है, रक्त में घुल जाता है इस प्रकार से, ये एक अहम मुद्दा। वो उष्णवीर्य है और उसके उष्णता के जरिए धातुओं का स्वेदन होता रहता है, और ये स्वेदन होने के कारण उसमें से द्रवांश जो है वो रक्त में आ जाते हैं इस प्रकार से।
अब हर धातु के इस प्रकार के कुछ द्रव अंश है, और रक्त एक अहम धातु इस प्रकार का रहेगा। ये परत साइन आउट झालच की रे, काय कळतच नाही। सर आवाज येतोय. हा आवाज येतो आहे, पण मला वाटलं तर आम्ही रिलोड केलं होतं हे झूम एकदा अनइन्स्टॉल करून, तर आता तरी ते व्हायला नको असं वाटलं होतं, पण काय याचं कळतच नाही गणित काय अशा स्वरूपाचं। डिफरेंट कुकिंग मेथड्स लाइक माइक्रोवेव ओवन ऑल्सो इंक्रीज ड्राई हीट इन द बॉडी। द सोल्यूशन भेटेल सर झूमचा। ओके तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी माइक्रोवेव तो के बारे में तो काफी प्रचलन हुआ है, लेकिन फिर भी माइक्रोवेव बड़ी पैमाने पर प्रयोग में है, क्योंकि तुरंत पदार्थ गर्म हो जाता है। उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो पदार्थ के पानी के मॉलिक्यूल्स को गति मिलती है और उसके जरिए पदार्थ गर्म हो जाता है, ऐसा उसका टेक्नोलॉजी का कहना है। तो ये अजीब बात इस प्रकार की है। वैसे गैस स्टोव इंडक्शन वगैरह भी है या ओटीजी है, लेकिन फिर भी उसमें और माइक्रोवेव में अंतर है, तो उसके बारे में जरूर सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो हर धातु का एक द्रव्यांश रक्त में स्थित है, ये आ सकता है इस प्रकार से। और फिर जब हम रक्तमोक्षण के बारे में बताते हैं सोचते हैं, तो आश्चर्य की बात है कि रक्त दुष्टि है रक्त पित्त में, लेकिन फिर भी रक्तमोक्षण चिकित्सा नहीं बताई गई है। वहां प्रतिमार्गन चारणम रक्त पित्त विधि विधीयते। रिसेंटली मैंने एक साइलोमा का केस देखा, वह एक टैबलेट करके उससे नेत्र विकार सेंट्रल रेटिनल वेनस ऑक्लूजन हो गया। माइलोमा माइलोमा का तो क्या वह अशुद्ध चिकित्सा कहलाएगी, क्योंकि एलोपैथी के हिसाब में ये सही चिकित्सा है। तो अशुद्ध चिकित्सा ही, उसमें संदेह की नहीं बात। आतप सेवन दिवा स्वाप ऑल्सो पित्तवर्धक। अशुद्ध चिकित्सा का एग्जैक्ट पैरामीटर कैसे क्या हो सकता है। हाँ, जो एक व्याधि को शांत करते हुए दूसरे व्याधि को जन्म देता है और खुद भी चला रहता है, नहीं तो नहीं भी चला रहता है, ये अशुद्ध चिकित्सा इस प्रकार की बताई गई है। एवं कृच्छ्रतरमाणूनां दृश्यन्ते व्याधि संकराः प्रयोगा परिशुद्धता तथा चान्योन्य संभवात्। और ये तो रोजाना की बात है। एलोपैथी की अगर ट्रीटमेंट चालू होती है, चालू रहती है, तो मूल रोग जो है वो मिटता नहीं मूल रूप से, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। और ड्रग के जरिए, अशुद्ध चिकित्सा होने के जरिए दूसरे रोग भी निर्माण होते रहते हैं ये, और एक व्याधि संकर हो जाता है। तो कहीं कहीं एलोपैथी में एडमिट कर लेते हैं कि ये ड्रग का साइड इफेक्ट के वजह से ये हुआ है इस प्रकार से। वो जो उदाहरण है वो सामने लाने चाहिए सभी लोगों के, जहां एलोपैथी ने एडमिट किया है इस प्रकार से। फिलहाल एक बीच में कोविड-19 में एक हादसा हुआ था कि वैक्सीनेशन के जरिए कॉम्प्लिकेशन हो गया, ऐसा एलोपैथी का कहना था। दीनानाथ में केस एडमिट थी, मौत हो गई आगे।
लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि ये वैक्सीनेशन का फल है इस प्रकार से। अब ये राइटिंग में आता है नहीं आता है, ये एक बार देखना चाहिए। और फिर कैन वी कंसिडर डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ लोअर लिम एज रक्त दुष्टि, वॉट शुड बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसा है कि अभी के जो भी नए नए विकार इस प्रकार के हैं, जिनके बारे में स्पष्ट निर्देश ग्रंथों में नहीं है, उनके बारे में कैसे सोचना ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। मुझे नवी संहिता लिखनी है तो मुझे इसके बारे में बताना ही पड़ेगा, ये अहम मुद्दा है। लेकिन उसका तरीका क्या होगा? जहां तक हमारे शास्त्रों में जो लक्षण वगैरह है उसके आधार पर हमारा कुछ अलग निदान बन सकता है, वहां तक बात ठीक है कि हम इसको ये कहेंगे हमारे शास्त्र में और फिर उसका निदान पंचे को वगैरह ढूंढेंगे, अवस्था निश्चित करेंगे और उसके आधार पर चिकित्सा दे देंगे। लेकिन जहां बुक पिक्चर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वहां कैसे सोचेंगे? तो मैंने एक ब्लड प्रेशर कर पाए बीच में एक लेक्चर दिया था तो जो समाविष्ट होने वाले भाव उसमें है उन सभी भावों के बारे में सोचना है। जैसे कि ब्लड प्रेशर में प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वेसल्स, ये उसकी व्याख्या इस प्रकार की बताई गई है। ऐसे हालात में ब्लड का प्रेशर क्या होता है, सिराओं की स्थिति कैसी होती है, हार्ट का संबंध किस प्रकार से है और मानसिक भावों से संबंध किस प्रकार का है, ये सभी बातें हम अगर अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि सिराएं पतली हो गई है, ब्रिटल हो गई है, ये भी बात हो सकती है, जो हृदय का इस प्रकार से हो जाने पर हृदय को ज्यादा मात्रा में फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि खून बहता नहीं है अच्छी तरीके से, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार की हो जाती है, क्रोध हो गया या फिर दूसरे कई मानसिक कारण हो गए और नाड़ी की गति बढ़ गई वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें भी होती है। और जो रक्त है, रक्त शुद्ध रक्त वात जुष्ट पित्त जुष्ट कफ जुष्ट इस प्रकार का होता है, ये जुष्ट और दुष्ट इसमें फर्क है। अगर दोषों के जरिए रक्त दुष्ट हो जाता है तो रक्त मोक्षण करवाना ये अच्छी चिकित्सा इस प्रकार की है। और फिर उस हालात में उस किस दोष का संबंध है ये हम रक्त परीक्षण के द्वारा देख सकते हैं इस प्रकार से, और फिर उसके कारणों को ढूंढना है, रक्त दुष्ट क्यों हो रहा है उस पर्टिकुलर दोष से, तो कारणों को टालना है, कारणों के विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। इंटरनल ब्लीडिंग की व्यवस्था अवस्था आजकल टेक्नोलॉजी से पता चल जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष रक्त नहीं दिखता, क्या इससे रक्त पित्त कंसिडर करेंगे? अभी टेक्नोलॉजी के जरिए जो बातें सामने आ रही है उसको हम प्रत्यक्ष का एक एक्सटेंडेड रूप इस प्रकार का मान सकते हैं। वैद्य बापू नानल की बहन, उनको एक दिन अचानक दिखना बंद हो गया दोनों आंखों से, तो सुमा साठे सर के पास नानल सर ने भेजा। सुमा साठे उनके छात्र रहे, तो सुमा साठे सर ने देख लिया और फिर बताया कि इंटरनल हिमरेज है और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दे दी। तो उन्होंने नांदल सर को फोन किया कि ऐसा ऐसा इंटरनल हिमरेज है, तो नांदल सर ने पूछा कि तुम्हारा निश्चित है ना मत कि इंटरनल हिमरेज है? तो बोले हाँ बिल्कुल निश्चित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय लेजर ट्रीटमेंट नहीं थी, तो फिर नानल सर ने कहा ठीक है, वो घर पे आई
तो सिर्फ त्रिफला देना है, ऐसा नांदल सर ने बता दिया। और रात में त्रिफला मतलब सर पर ब्रह्म जैसे नेत्र वाला है, वो उनका एक भाग हरित की, दो भाग विभीत का, चार भाग आमल का, इस प्रकार का त्रिफला घर में कूट के बनाते थे। तो त्रिफला चूर्ण रात में एक बार उनको घृत और मधु के साथ दे दिया। दूसरे दिन कुछ फायदा नहीं हुआ था, नजर नहीं थी। तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा दिखने लगा और चौथे पांचवे दिन पूरी विजन आ गई, वापस आ गई। 7 दिन के बाद सुमन साठे सर के पास गए तो उन्होंने आग देखी और बोला, बहुत अच्छी है, अभी तो तुम्हें सब कुछ दिख रहा है। बोले हाँ। तो बोले ठीक है, दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ना, हमने आपकी दवा ली ही नहीं इस प्रकार से, और केवल त्रिफला ले लिया इस प्रकार से। तो सुमन साठे सर आश्चर्यचकित इस प्रकार के हो गए, अर्थात बापू नानल और उनकी बहन, वो भी वैद्य थी, तो ही उन्होंने ठीक है कि आपने आयुर्वेद चिकित्सा कर ली इस प्रकार से। अब यहां संदेह होता है कि हमारा निदान क्या है। इस प्रकार के प्रकार से आंखों की रोशनी चली जाना, ये शायद हमारे हिसाब में तिमिर रोग इस प्रकार का होगा। अब तिमिर रोग में त्रिफला देना है नहीं देना है, ये एक बात अलग। दूसरी बात ऐसी कि त्रिफला मधुसर पे भी हम निशन नेत्र बलाये चल, नेत्र बल के त्रिफला लेना है इस प्रकार का बताया गया है। किसी रोग के हिसाब से नहीं बताए, स्वस्थ वृत्त में बताया है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हमारा निदान तिमिर है तो शायद हम तिमिर की चिकित्सा करेंगे, पटोला दे गुरुत्व वगैरह ऐसा कुछ दे देंगे, और फिर विरेचन दे सकते हैं अवस्था को देखते हुए इस प्रकार से, पांव तल में ये घृत का अभ्यंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आनंद सर ने ये कुछ भी नहीं किया। उनसे पूछा कि रक्त पित्त निदान, तुम्हारा निदान पक्का है इस प्रकार से, लेकिन दिया त्रिफला, उसे भी ठीक हो गया, आंखों को बल प्राप्त हो गया, तो शायद इससे बीमारी मिट गई, इस प्रकार से बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, यहाँ पे रक्त दुष्टि है, फिर भी रक्त पित्त में कहीं भी रक्त मोक्षण चिकित्सा नहीं बताई है। विसर्प में बताते हैं, एकत सर्व कर्माणि रक्त मोक्षण में एकता है इस प्रकार से, लेकिन रक्त पित्त में प्रतिमार्गन चारणम रक्त पित्त विधीयते, यही चिकित्सा सूत्र आता है। तो उसकी गति बदल देना, ऊर्ध्वगः है तो अधोगति करना वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या अधोगः है तो ऊर्ध्वगति करना, ये चिकित्सा बताई जाती है। अब हमारा निदान क्या है, इसके ऊपर ये सभी बातें निर्भर इस प्रकार की रहेगी। तो इसमें ये जो धातुओं का अंश उसमें आ जाता है, इसलिए शायद रक्तमोक्षण चिकित्सा नहीं बताई गई। लेकिन एक इसमें दूसरा निश्चय इस प्रकार का है कि इंटरनल इस प्रकार से रक्त पित्त की संप्राप्ति होती रहती है, उष्ण तीक्ष्ण वगैरह इस प्रकार के औषधों के जरिए या खाने पीने के जरिए इस प्रकार से। और फिर उस अवस्था में हमें थोड़ा सजग इस प्रकार का होना चाहिए। अब रक्त की मात्रा बढ़ गई है नहीं बढ़ गई है, धातु स्वेदन होता तो असल्या नहीं, रक्त मोक्षण नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा निदान अगर कुछ विशिष्ट होता है तो उस विशिष्ट निदान के अनुसार हम चिकित्सा कर सकते हैं। अगर विशिष्ट निदान नहीं हो पाता है तो फिर उसमें संलग्न जो भी भाव है उन सभी के बारे में सोचकर उसकी चिकित्सा कैसी करनी है, ये बात देखनी है। और फिर उसमें परीक्षण किसका करे वगैरह वगैरह, ये भी बातें देखनी है, ऐसा होगा। और इसमें मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस भी शायद रहेगी। अभी जो लोग एस्पिरिन लेते हैं उनमें मैं PTINR करवाता हूँ। वास्तव में एस्पिरिन का प्रचलन क्यों आया, कि विस्कोसिटी बढ़ी है इस प्रकार की बात हो सकती है, ऐसा करके
एस्पिरिन शुरू हो गया। तो अगर INR 1 से काफी कम है तो विस्कोसिटी ज्यादा है, ये बात समझ सकते हैं। फिर भी वहां पे एस्पिरिन देना ये वास्तव में चिकित्सा नहीं है, विस्कोसिटी क्यों बढ़ी है ये देखना जरूरी है। और उसका कारण कफ, आम, मेद, इस प्रकार की बातें हो सकती है। तो वात जुष्ट और वात दुष्ट इसमें अंतर है। वात दुष्ट है तो हम निश्चित रूप से रक्तमोक्षण कर सकते हैं इस प्रकार से। जुष्ट स्वाभाविक प्रक्रिया इस प्रकार की है। और द्रव धातुओं के द्रव अंश उसमें अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सजग होना चाहिए कि धातु हम बाहर नहीं निकाल दे इस प्रकार से। और वैसे रक्त तक ही सीमित है, बाहर निकालना जो है वह रक्त तक ही सीमित है। उसके आगे वाले धातुओं के बारे में इस प्रकार से बाहर निकालना अपेक्षित नहीं। अगर तस्योष्मणा द्रवो धातु, ये बात हो गई, या फिर शोणितम व रसादिभ्य विवृद्धंतम विवर्धयेत, ये बात क्लेहा वृद्धि में आती है। तो रस आदि में मांस वगैरह से भी रक्त की वृद्धि होती है और उससे प्लीहा बढ़ती है, इस प्रकार का बताया गया है। अब प्लीहा वृद्धि में काफी बार अग्निकर्म किया जाता है और लोगों को अच्छा भी लगता है। अग्निकर्म वास्तव में मांस धातु की चिकित्सा। अगर हमारा निदान मांस धातु का विमार्ग गमन इस प्रकार का हुआ है रक्त में और फिर रक्त के जरिए प्लीहा बढ़ गई है, तो उसके लिए ये शस्त्रोपचार अग्निकर्म ये चिकित्सा हो सकती है। और फिर उसको सामने रखते हुए ये करना इस प्रकार का पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारा निदान क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। और फिर उस निदान के अनुसार हमारी चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा में लेकिन रक्त मोक्षण से लाभ मिलता है, नेत्र कत रक्त पित्त से, रक्त पित्त में जलोका का उदाहरण आपने बताया था। तो मैं कह रहा हूं ये हमारा डायग्नोसिस अगर तिमिर है तो रक्त मोक्षण चिकित्सा हो सकती है। हमारा डायग्नोसिस अगर रक्त पित्त है तो रक्त मोक्षण चिकित्सा नहीं हो सकती। तो इसमें अंतर है। तिमिर में हम विरेचन और रक्त मोक्षण दोनों कर सकते हैं और फायदा भी होता है, उसमें संदेह की बात नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारा निदान क्या है ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और फिर उसके आधार पर हमें चिकित्सा करनी है। अभी हुआ है ऐसे कि एलोपैथिक का डायग्नोसिस और हमारे ट्रीटमेंट ये काफी प्रचलन में है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। उस बीच में हमें हमारा आयुर्वेदीय निदान क्या है ये देखना जरूरी है, ये लोग बातें भूल गए हैं। और फिर ये आधी अधूरी चिकित्सा हो जाती है। तो हमारा निदान क्या क्या हो सकता है? रक्त पित्त निदान होगा तो रक्त पित्त के लिए विरेचन होगी लेकिन रक्त मोक्षण नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे दृष्टि से क्या निदान है ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो द्रवो धातु 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 प्रशिक्षते, इसमें दूसरा एक मुद्दा अहम है कि सभी धातुओं के अंश रक्त में है।
बीच में एक ऐसा हुआ था, अभी भी फिर एक नई टेस्ट आने वाली है ऐसा मैंने सुना था, मालूम नहीं। बायोटेक, BIOTACC, इस प्रकार की कोई टेस्ट, उसके ट्रायल्स रूबी हॉल में चल रहे थे। गोखले करके कोई आदमी था, डॉक्टर नहीं था, साइंटिस्ट था, और उसका कहना था कि सभी कैंसर का रिप्रेजेंटेशन रक्त में है, क्योंकि मार्कर्स है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मार्कर्स के अलावा भी जो भी होते हैं ठीक है, लेकिन ये बात ऐसी होगी कि उनका निदान रक्तपित्त है या कुछ अलग है, ये देखना पड़ेगा। रक्तपित्त के लिए रक्तमोक्षण चिकित्सा नहीं आई है, तो दूसरे किसी विकारों में जहाँ रक्तमोक्षण बताया गया है, या रक्तदृष्टि के बारे में काफी हमें रेफरेंसेस मिल जाते हैं। नाही त्यांनी त्याच्यामध्ये सर एक्सप्लेनेशन असं दिलंय की रक्त पण वाचलं आणि त्यांचं म्हणजे त्यांनी रक्ताच्या बॉटलमध्येच रक्त काढलं होतं आणि तेच रक्त परत त्यांना चढवलं. पण रक्तमोक्षणामध्ये जे अमोनिया क्रिएट होतो ड्यू टू ब्लीडिंग दॅट वॉज म्हणजे ते टाळण्यात आलं आणि मग त्यांचंच रक्त त्यांना युटिलाइज करण्यात आलं असं तिथे मेन्शन केलंय. लेकिन उसमें क्या होता है, वो निकालेंगे और फिर से भरेंगे, तो अमोनिया की बात को मुझे मालूम नहीं है कि अमोनिया कितना रिलीज होता है रक्तमोक्षण के समय में इस प्रकार से, और अगर हम स्नेह स्वेदन करके रक्तमोक्षण करते हैं तो अमोनिया रिलीज होता है नहीं होता है, ये देखना चाहिए इस प्रकार के। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वही रक्त निकाल के बाहर निकाल के फिर से अंदर डालना, वो तो तुरंत कोएगुलेट हो जाएगा, उसके बारे में क्या कहा था मालूम नहीं है। और वो फिर सिराओं द्वारा दिया गया है क्या, ये भी देखना चाहिए इस प्रकार से। तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है सिराओं द्वारा दिया जाना, क्योंकि वो तुरंत कोएगुलेट होने लगता है इस प्रकार नाही से। नाही ज्या ब्लड बॅग मध्ये आपण ब्लड डोनेट करतो ना त्याची जी ब्लड बॅग असते ना हाँ, त्याच्यामध्येच काढलं होतं आणि त्यातनंच परत दिलं असं। आणि मग वेन्सनी दिलं म्हणजे जी नॉर्मल प्रोसिजर आहे ब्लड जेव्हा आपण घेतो द सेम वे इट वॉज गिवन बट इट वॉज टेकन इन द ब्लड बॅग सो दॅट द ओझिंग ऑफ द ब्लड वॉज स्टॉप्ड. इसके पीछे लॉजिक क्या है, सिर्फ अमोनिया का लॉजिक है या और कुछ लॉजिक है? नाही रक्त आतमध्ये रक्त पित्तामध्ये इसोफिजल जे असतं ना ब्लिडिंग होतं सो दॅट इज कलेक्टेड इन द स्टमक हाँ आणि मग रक्ताची उल्टी किंवा अधोमार्गाने रक्त जातं तर ते हाँ होऊ नये म्हणून मग त्यांनी ब्लड काढलं जेणेकरून तिथलं ओझिंग स्टॉप झालं कारण की इकडे मार्ग निघाला ना त्याला आणि मग ते ब्लड बॅग मध्ये कलेक्ट केल्यामुळे तिथे कॉग्युलेशन होण्याचा काही संबंध नव्हता देन इट वॉज अगेन गिव्हन टू हिम बिकॉज देर वॉज नो चेकिंग अँड नो नीडेड बिकॉज इट वॉज हिज ब्लड ओनली. अलग तरीका है। हाँ, उनकी किताब तो मैंने देखी नहीं है, तो एक बार किताब देखनी चाहिए, और फिर उसके बारे में कुछ सोच सकेंगे। सर, रप्चर्ड एक्टोपिक में द एब्डोमेन कलेक्टेड ब्लड टू फिर से ट्रांसफ्यूज करना बताया। रक्तगत व्याधि में माइल्ड ड्राउजीनेस, इट इज ड्यू टू अमोनिया जस्ट लाइक लिवर सिरोसिस। ओके, तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे आगे चलकर। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा निदान क्या है ये समझकर, यहाँ बाहर से दूसरा रक्त देने के बजाय उसी व्यक्ति का रक्त उसको दे दिया, ये इसमें अहम प्रिंसिपल इस प्रकार का है।
और ये करने से रक्तस्राव रुक गया और फिर से रक्त दे दिया तो एनीमिया हो डेवलप होने के चांसेस कम इसमें रहेंगे इस प्रकार से, तो ठीक है। तो हाँ, बायोटेक के बारे में मैं बता रहा था कि उनका कहना था कि कोई भी कैंसर किसी भी प्रकार का हो, उसका रक्त में रिप्रेजेंटेशन होता ही है, और रक्त केवल रक्त के जांच से पता चल जाएगा कि कैंसर शरीर में है, जो अभी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो ये अच्छी बात है क्योंकि बाकी सब इन्वेस्टिगेशंस करने के बजाय केवल खून की जांच से अगर ये होता है धातुना क्षय वृद्धि होने तो निमित्त ये एक अलग बात है इस प्रकार से। और रक्त के जरिए अगर धातु बढ़ते हैं या कम होते हैं इस प्रकार से, तो रक्त के आधार पर उसकी भलीभांति चिकित्सा हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने रक्तपाचक का प्रयोग करना हर कैंसर मरीज में शुरू किया था, अभी भी करते हैं। उसमें हीरक डालते हैं, शुक्र शोधन गण डालते हैं और रक्तपाचक पुड़ी में देते हैं, भावनाएं देते हैं उसके। और उसके बावजूद रक्त कल्याण का घृत में प्रयोग में ला रहा हूँ, रक्तपाचक और महाकल्याण का घृत दोनों इकट्ठा करके रक्तपाचक का काढ़ा बनाना है, महाकल्याण का भी इस प्रकार का बनाना है, और फिर दोनों साथ में उबाल के रक्त कल्याण का घोल, ये मैं बताता हूं। तो रक्त ये केवल शोणित नहीं रहेगा, इसमें शुक्र शोणित संयोग भी होना है या पित्त होना है का खास करके। तो मेरा एक सुझाव है, एक्चुअली एक आयुर्वेदिक पैथोलॉजी लैब बननी चाहिए जिसमें हम केवल रक्त निकाल के उसमें दोष संबंध जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, चाहे प्राकृतिक हो या विकृतिक हो। वात दुष्ट, पित्त दुष्ट, कफ दुष्ट, रक्त के वर्णन बताए हैं, तो उसके आधार पर अगर हम हमारा डायग्नोसिस करते हैं कि वात दुष्ट रक्त है, पित्त दुष्ट रक्त है इस प्रकार से, और फिर उसके कारण ढूंढेंगे, उसके लक्षणों को देखेंगे इस प्रकार से, और रक्त दुष्टि दूर करने के लिए चिकित्सा करेंगे, तो किसी भी रोग में फायदा इस प्रकार का होगा। कैन वी ट्रीट पेशेंट विथ HB 5.5? उसमें दो तरीके से प्रयोग होते हैं, एक तो रक्त बस्ती देते हैं, इससे अगर नीचे चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना बात होती है, लेकिन रक्त बस्ती से फायदा होता है ऐसा है। वही विकृत अवस्था आहे ना, उष्ण गुणाने धातु से पाचन होऊन रक्त। सर हाउ मेनी भावना ऑफ रक्त पाचक? मेरे ख्याल में तीन है, विथ नो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड रिक्वायर, नहीं लगता है अभी रक्त क्षय की अवस्था कहाँ कहाँ पे होती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। रक्त प्रदर में इस प्रकार की अवस्था दिखाई देती है जो कॉमन है काफी इस प्रकार का, ल्यूकेमियाज में इस प्रकार की अवस्था दिखती है, आईटीपी में इस प्रकार की अवस्था दिखती है,
अप्लास्टिक अनिमिया में इस प्रकार की अवस्था दिखती है। मैंने सभी मरीज ट्रीट किए हैं, ल्यूकेमियाज भी है, अप्लास्टिक एनीमिया भी है, और फिर आईटीपी वाले हैं, रक्त प्रदर वाले हैं। तो इन सभी में रक्त की क्षीणता होना और पांडु के लक्षण दिखाई देना, ये बात होती है, इसमें संदेह की बात नहीं है। केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट में भी ये बात दिखाई जाती है, दिखाई देती है। तो ये बात ध्यान में रखनी जरूरी इस प्रकार की रहेगी। सर, रक्त दृष्टि की कौन सी अवस्था ये है जिसमें लोहकल्प इस्तेमाल नहीं करना है? बहुत बार लोहकल्प का इस्तेमाल ज्यादा होता है। रक्त एक अलग बात है कि लोह का प्रयोग करना है नहीं करना है, और करना है तो किस लोह का करना है। ताप्यादि लोह, नवायस लोह, अभ्र लोह और काफी इस प्रकार के लोह के कल्प उपलब्ध है बाजार में इस प्रकार से। तो किस लोह का प्रयोग करना है ये एक बताना मुश्किल है। हाउ टू गिव रक्तबस्ती, इसमें किसी बार किसी का भी खून लेते हैं, 10-20 मिलीलीटर इतना ही लेते हैं, उसमें तुरंत शहद डालते हैं और दर्भ का क्वाथ डालते हैं। तो 20 मिलीलीटर रक्त ले लिया, उसमें तुरंत 20 ग्राम या 20 मिलीलीटर शहद डाल दिया, और फिर एक 50 ml दर्भ का काढ़ा उसमें डाल दिया, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और फिर मात्रा बस्ती जैसे देते हैं, उसका बस्ती उस प्रकार से देना है, हफ्ते में 2-3 बार दे सकते हैं। तो रक्त बस्ती पर एमडी के थीसिस भी है इस प्रकार से। प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल टू कलेक्ट दैट एब्डोमिनल ब्लड एंड एंटीकोएगुलेंट एड देन ट्रांसफ्यूज? यस, इन इमरजेंसी यू कैन डू। ओके, वरील दोन्ही पेशंट मध्ये पुन्हा दूषित रक्त पेशंटला द्यायचे काय? यहाँ उसका कुछ विचार नहीं है मेरे ख्याल में, केवल रक्तस्राव हुआ है, दूसरा रक्त देने के बजाय उसी का रक्त उसको दे देंगे, लेकिन ये संप्राप्ति भंग मूल रूप से नहीं होगा, क्योंकि एब्डोमेन में ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता है। ओके, ये तो देखना पड़ेगा कि एब्डोमेन से सीधा खून निकाल सकते हैं क्या इस प्रकार से। और फिर शोथ की जो संप्राप्ति है, पितृरक्त कफान वायु दुष्टो दुष्टान बहिः सिराहा नीत्वा रुद्धगति स्थैरहि कुर्यात्मं मांस संरक्षणम उच्छेदम समुदम शोफम तमाहोर निषेधतः। तो पित्तरक्त कफ इन सभी को वायु सिराओं से बाहर लेके जाता है। दुष्ट वायु है और दुष्ट इस प्रकार के है पित्तरक्त कफ, और ये एक तरीके से विमार्ग गमन इस प्रकार का है। तो जैसा इंटरनल हिमरेज हो रहा है स्टमक में या इसोफेगस में, उसी प्रकार बाहर इस प्रकार से विमार्ग गमन होकर रक्तस्राव हो रहा है, और वहां पे ये संचित इस प्रकार का है, और मान लेते हैं कि वो अंदर कोएगुलेट नहीं होता इस प्रकार से। तो फिर उसको एस्पिरेट करके सीधा रक्त के बैग में कलेक्ट करके फिर वही रक्त उसको देना। ये थोड़ी अजीब चिकित्सा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। और गोप्टे सर ने किस आधार पर इसका विचार किया, या अगर उनके किताब में कुछ लिखा है तो शायद उसके बाद कुछ हो सकती है। सर त्यांना ते आर्टिकल याच्यामध्ये ग्रुपमध्ये टाकायला सांगा ना, म्हणजे समजेल. हाँ ठीक है ना, हिंदी में बात करो, काफी लोग हिंदी बोलने वाले हैं और उनको मराठी समझ में नहीं आती है, वो बार बार बताते रहते। ओरल ओके कैंसर के लिए
एक पेशेंट में सेकंड केमो के बाद से गुदा मार्ग से रक्त निकलने लगा। एलोपैथी वालों ने रक्त स्तंभन दिया, उससे HB और प्लेटलेट गिरने लगा। कंडीशन मैनेज नहीं कर पाए। प्लेटलेट बोलस दिया, उससे डेथ हो गई पेशेंट की। प्लेटलेट बोलस में पहली बार सुन रहा हूँ इस प्रकार से। हाँ आई थिंक बाय प्रोटोकॉल वी शुड रीड सुश्रुत शरीर स्थान अगेन एंड अगेन, मे बी आफ्टर ईच 3 months, इफ वी कैन विजुअलाइज अवर एनाटॉमी प्रॉपरली फर्स्ट, देन वी कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली वॉट वी नीड टू रीड टूडे। मैं भी सोच रहा हूँ सुश्रुत शरीर स्थान, खास करके चौथा अध्याय जो है वो एक बार फिर से पढ़ना है। तो देखते हैं, मैं सोच रहा था कि ये शनिवार का जो चरक का है सूत्र स्थान, अभी नौवा अध्याय चल रहा है वास्तव में, और ये शुरू किया था अभी के जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको 12 तक अध्याय है चरक के। और वैसे मेरा अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हिंदी में एक्सप्लेनेशन 24 अध्याय से आगे है। तो उस दृष्टि से अगर हम हिंदी में 24 अध्याय तक जाते हैं तो शायद बात बनेगी इस प्रकार से। प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल टू कलेक्ट दैट एब्डोमिनल ब्लड एंड एंटीकोएगुलेंट एड देन कोएगुलेशन डिलेड होता है जो ब्लड बैग में फिल्टर नहीं होता। अब ये ब्लड बैग में इस प्रकार से कलेक्ट करना और फिर उसका बस्ती देना, ये एक बात हो सकती है। ये दर्भ का काढ़ा और मत करके कर रहे हैं, लेकिन उसका रेफरेंस क्या है मुझे भी मात पता नहीं है। तो किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त ब्लड बैग में दे दे और फिर ब्लड बैग का ही बस्ती दे दे, ये बात भी हो सकती है। इन संविता राइटिंग इट विल गिव ब्रेक थ्रू। दर्भ और गर्भ में कंफ्यूज होते हैं सच। नहीं, गर्भ नहीं, दर्भ ही है यहाँ पे। दर्भ का क्वाथ इसी प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अच्छा ये है कि हमारा निदान क्या है ये देख के फिर आगे बढ़ना, यही उचित इस प्रकार का रहेगा। इन जीवादान दर्भ रक्त बस्ती, अच्छा गर्भ मृदित रक्त बस्ती, हाँ तो ये रेफरेंस ग्रंथ में है तो ठीक है। तो मैंने इसके कुछ प्रयोग किए हैं इस प्रकार से रक्त बस्ती देने के। कुछ लोग मरीजों में फायदा हुआ है, सभी में होता है ऐसा नहीं है। सारे जो तो संयोग दूषणा तत्व तो सामान्य गंध वर्णे हो रक्त से पित्तम आख्यात मृत पित्तम मनीषी। संयोग से, दूषण से और गंध वर्ण का सामान्य होने के कारण रक्त का पित्त इस प्रकार का रक्त पित्त विद्वान लोग कहते हैं। तो वास्तव में ये पित्त होता है, रक्त होता है, क्या होता है? तो एक मैं वमन दे रहा था शुरू शुरू की अवस्था में और रक्त निकलने लगा।
तो मैं घबरा गया और कोलटकर सर को फोन किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो सर ने बता दिया कि ये पित्त होता है, रक्त कम होता है इस प्रकार से। तो रक्त पित्त के हिसाब से चिकित्सा करनी है। वो चिकित्सा जो है वो बल कैसा है इसके ऊपर निर्भर है। तो अगर बल अच्छा है और निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन बल कम है तो उसको रोकना है इस प्रकार से। तो उस हिसाब से प्रयत्न करो इस प्रकार से। तो मैंने सोचा कि रक्त पित्त के लिए वासा सबसे अहम चिकित्सा बताई गई है। तो चरक सिद्धि में रेफरेंस आया है रक्त बस्ती का। ओके, तो मेरे पास वासा कल्प था, अटूश कल्प, तो मैंने वो डाल दिया यष्टि मधुपात में। और फिर अगला वेग निकला तो उसमें रक्त नहीं था, रक्त रुक गया। थोड़ा थोड़ा वासा कल्प देते रहे और वो मन अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैंने सर को फोन करके बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो बोले बहुत अच्छा किया तुमने इस प्रकार से कि ये पित्त है, तो रक्त पित्त की चिकित्सा के चिकित्सा में वासा प्रधान इस प्रकार का है, तो सह्यस्य परम औषधम इस प्रकार का बताया गया। तो फिर वासा अच्छी तरीके से काम करेगा और रक्त पित्त की संप्राप्ति को भंग करेगा इस प्रकार से। तो ये मैंने काफी मरीजों में ये प्रयोग किया और सभी में प्रायः लगभग एक दो ही मरीज ऐसे रहे कि जिनमें वासा देने के बावजूद भी रक्त रुका नहीं, मुक्ति कामदुघा वगैरह देने के बाद भी नहीं रुका, तो मुझे वो मन बंद करना पड़ा इस प्रकार से। लेकिन बाकी बहुत सारे मरीजों में केवल वासा से काम हो गया और रक्त पड़ना बंद हो गया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य था यह है कि हमें इस दृष्टि से कुछ देखना चाहिए। तो रक्त से संयोगात दूषणात सामान्यात गंधवर्णयोः पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम मनुष्य पित्त को रक्त पित्त इस प्रकार का बताया गया है। कुश आणि दर्भ या एक है या अलग है वास्तव में, बाजार में क्या मिलता है मालूम नहीं। क्योंकि दर्भ ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है श्राद्ध पक्ष सभी में, तो इसलिए वो मिलता है, लोग लगाते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन कुश और दर्भ ये पांच तृण जातियां हैं वास्तव में, अलग अलग है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ अंतर इस प्रकार का है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह ही शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन् निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवनतां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिंदं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। ओम शांति 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 ही। एब्डोमेन में ब्लीडिंग होता है तो जो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करते ब्लीडिंग स्टॉप करता है उस एरिया की, आयुर्वेदा में इस ऐसा ड्रग ट्राई करना चाहिए जो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। हाँ देखो, इसमें तो मेरा अधिकार है नहीं,
मैंने कभी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह इस प्रकार के एक्शंस के बारे में सोचा नहीं है। तो ठीक है, जो भी अगर कर सकते हैं वो इसमें करें। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वाहा पुनरपि मिलिष्यामः।